तो ये है हाउस बोट। हम लोग आए हाउस बोट में और ये आपको दिखा दें, ये पूरा इस तरह से, ये बहुत अमेजिंग सा व्यू है जो आप लोगों के लिए मैं कैप्चर कर रही हूँ। और पूरा ये हाउस बोट का जो एंट्रेंस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर लोग अपने वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, पॉट्स भी रखते हैं, सामने ये डल झील है, राइड्स भी लेते हैं, व्यू भी लेते हैं। बहुत अच्छे चेयर टेबल से बैठने के लिए यहाँ पे लगा हुआ था कि चाय पीजिए और व्यू लीजिए। तो हम आगे अंदर देखते हैं। हम लोग हैं आज हाउस बोट में और ये जो हमारा फर्स्ट रूम है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आगे आइए, ये हमारा डाइनिंग रूम है जहाँ पे खाना वाना खाया जाएगा। ये हाउस बोट में 3 रूम्स हैं, अटैच बाथरूम है इसके साथ और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बाहर जैसे लेक भी दिखाई देती है सामने से, बाहर निकलते हैं तो इस तरह से प्लांट्स लगा रखे, खूबसूरत प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर पूरा बाहर निकल के आना, कितना अच्छा, आराम से देख के आना। देख जैसे हम लोग पिक्चर में नहीं देखते, ऐसे निकल के लोग रहते हैं ना, तो यहाँ से देखो ये खेती और इनका ये रास्ता पूरा ये सब, ऊपर पानी की टैंकी, गुड यार। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल नहीं डालते हैं ये लोग, नीचे पूरा इन्होंने लगा रखा है टैंक टाइप का, पानी की व्यवस्था है और उसमें क्लीनिंग के लिए केमिकल्स डालते हैं, तो इसके अंदर कोई भी वेस्टेज जो ऐसा नहीं है कि जो डल झील में जाके उसको गंदा करे, तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। ये फर्स्ट रूम है, इस तरह से सोफे लगे होते हैं, जैसे ये डेकोरेशन पूरा एकदम आपको लग रहा है जैसे कि आपका गेस्ट रूम होता है उस तरह से। ये हम लोगों का सेकंड रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे पूरा टेबल ग्लासेस और ये इस तरह से पूरा लगा हुआ है, जहाँ पे ये डेकोरेशन सब बहुत बढ़िया, विंडोज भी हैं इसमें, फ्रिज भी है ये देखिए इसमें। और फिर आगे आएंगे गैलरी, काफी बड़ी होती है ये तो, ये पूरे बहुत बड़ी है तो। ये है ड्राइंग रूम, ये बेडरूम कितनी बड़ी होती है ये तो, सामने से कितना छोटा लगता है यार, ऊपर के ले ऊपर का ये। हाँ सही कह रहे हो। और ये पूरा वर्क है, वुडन वर्क है, सब लकड़ी का है। वाओ यार सो ब्यूटीफुल। पे टॉयलेट भी पूरा एकदम फर्निश टॉयलेट है, बाथटब भी है, ओ गॉड इधर बाथटब भी है। अंदर जाइए। अच्छा मैं एक सुख जाइए। मैं हूँ हाउस बोट में, तेहरान हाउस बोट, झील के किनारे बहुत पास में ही है। गेट नंबर 16 से आप अंदर आएंगे, 16 हाँ 16, गेट नंबर 16 से अगर आप अंदर आएंगे, तेहरान गेस्ट हाउस का नाम लेंगे, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा हाउस बोट है जहाँ पे आप आके आप स्टे कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे रूम्स होते हैं है ना भाई जी, काफी रूम होते हैं ना, 4 रूम है इसमें और 3 बेडरूम है। अच्छा 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, 1 डाइनिंग हॉल है इसमें और एक आप एक सिटिंग रूम है। तो आपका पहला जो रूम है आपको दिखाते हैं किस तरह का है ये, इतना अच्छा बाय गॉड, इमेजिनेशन से भी परे है, तो पूरा घर ही लग रहा है ना, और वो भी एकदम वेल फर्निश्ड ब्यूटीफुल हाउस। तो ये तेहरान गेस्ट हाउस इन अंकल जी का है, तो आप पहचान लीजिएगा शक्ल देके कि इन अंकल दीदी साइड से हटिए। तो अंकल जी क्या बोलना होगा अगर आपका हाउस बोट लेना है तो? बोलना है तो बुकिंग करना पड़ेगा। हाँ बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है, तो ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा यहाँ है ना, यहाँ हाँ डायरेक्ट बुकिंग खुद आके भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पीक पे है समय पे मौसम यहाँ का, तो ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो बहुत आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि बोट हाउस खाली नहीं मिलते हैं। हम अभी आए हैं तो अंकल जी ने अभी अपने के गेस्ट गए हैं, उसके बाद भी हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो नहीं तो कम तो कर देंगे, देखना देखना, लेकिन अभी लेना वो तो नहीं देखना और एक्स्ट्रा मत देखना। और अब हो रहा है फोटोशूट साड़ी में, और यहाँ पर आकर एक ट्रेडिशनल फोटोशूट तो बनता ही है, तो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस साड़ी।
तो हमारा शिकारा आ चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं और डल झील के उस पार अब जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन, दूसरे डेस्टिनेशन पर। और हमारा यहाँ का जो सफ़र बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अमेजिंग अमेजिंग सुपर अमेजिंग रहा, और इसलिए मैंने आपका इंटीरियर यहाँ की हाउस बोट पूरा शेयर करने की पूरी कोशिश की। और हैव अ लुक, दिस इज़ द रील जो हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट की। हम लोग ने साड़ी में बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती की, डिफरेंट ड्रेसेस भी पहने। तो ये आप लोगों के लिए मैं रील लेके आई हूँ इंस्टा पर जो मैंने शेयर किया, आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर करी। होप आपको पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स।